YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ब्रॉडर व्यू है मार्केट का, इंडियन मार्केट साथ साथ जो ग्लोबल मार्केट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा अगर मार्केट के सिनेरियो को, मार्केट के सेंटिमेंट को अगर आप जानना चाहते हैं नेक्स्ट वीक के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। तो देखिए, निफ्टी जो है अभी भी वीक नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो निफ्टी देखिए, यहाँ पर पिछला जो ये लो था, इस लो को तो ब्रेक किया, लेकिन लो को ब्रेक करने के साथ यहाँ पर काफी जबरदस्त रूप से बाउंस बैक देखने मिला। लेकिन अगर हम इसके नीचे सस्टेन हो जाते हैं जो ये प्रीवियस लो है, तब हम यहाँ पर थोड़ा सा बेयरिश हो जाएंगे। तो निफ्टी अभी भी बुलिश के हैं या कहें साइडवेज है, निफ्टी बोले तो अभी भी बुलिश है अगर हम इसको वीकली चार्ट पर देखते हैं। वहीं हम बात करें डेली चार्ट पर, तो अभी ये साइडवेज है देखिए, लेकिन यहाँ पर लोअर लो और लोअर हाई बन रहा है। तो जब तक कि हम हायर हाई बनाना शुरू नहीं करते, तब तक हम या तो कहेंगे यहाँ साइडवेज है या तो बेरिश है, थोड़ा थोड़ा सा बेरिश है, मतलब यहाँ थोड़ा बहुत करेक्शन चल रहा है और ये करेक्शन अभी थोड़ा कुछ दिन तक और कंटिन्यू हो सकता है, फिर हम कोई एक डायरेक्शन को पकड़ के चल सकते हैं। या तो यहाँ पर हमें मार्केट में गिरावट देखने मिलेगा या तो हम फिर से ऊपर चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर रेंज है, जो इम्पोर्टेंट रेंज है वो है हमारा ऊपर की ओर 16,850 का। अगर हम 16,850 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो मार्केट में तेजी देखने मिल सकता है। अभी बुलिश हम नहीं है, जब तक हम ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं निकलते हम पूरी तरह से बुलिश नहीं होंगे। यहां से हमें थोड़ा सा मार्केट में तेजी देखने मिल सकता है। वही जो हम ये लो बना रखे हैं, तो देखिये ये सपोर्ट रीजन का भी काम कर रहा है। तो पहले भी यहाँ पर निफ्टी, इसके बाद यहाँ पर काफी जबरदस्त तेजी देखने मिला था। तो अगर हम ये जो पिछला लो बना करके यहाँ से बाउंस बैक किए हैं, इसके नीचे सस्टेन कर जाते हैं जो कि है 16,200, तो 16,200 के नीचे सस्टेन कर जाते हैं तो पूरी तरह से हम यहाँ पर बेरिश हो सकते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट लेवल है, 16,850 और 16,200, इसके बीच जब तक है तो हम पूरी तरह से साइडवेज हैं। अगर ऊपर के रेंज को ब्रेक करते हैं, मतलब जो रेसिस्टेंस है उसको ब्रेक कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पर तेजी देख सकते हैं। अगर नीचे ब्रेक करते हैं तो हम फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर गिरावट देख सकते हैं। तो अभी मार्केट में फिलहाल कोई एक ट्रेंड नहीं है, मतलब हम या तो बेरिश ट्रेंड के या बुलिश ट्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट अभी जो है एक रेंज में फंसा हुआ है, तो ऊपर के रेंज को ब्रेक करेगा थोड़ा सा तेजी देखने मिल सकता है, नीचे ब्रेक करेगा थोड़ा गिरावट देखने मिल सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट पर अभी भी हम बुलिश हैं। देखिए, हम निफ्टी के वीकली चार्ट पर आ चुके हैं। देखिए वीकली चार्ट पर यहाँ पर ये जो स्विंग है, लास्ट स्विंग को देखें तो ये स्विंग यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो जब तक हम कम से कम इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर देते, ये स्विंग का जो लो है इसको ब्रेक नहीं कर लेते हैं, तब तक हम यहाँ पर बेयरिश नहीं होंगे। तो अभी भी हमारा जो मार्केट है वो लॉन्गर टाइम फ्रेम पर, वीकली चार्ट पर बुलिश है, क्योंकि हम जो लास्ट स्विंग है उस स्विंग को भी ब्रेक नहीं किए हैं, तो फिर हम यहाँ पर कोई खास बेयरिश नहीं है। तो अभी हमारा मार्केट वीकली चार्ट पर देख सकते हैं एक तरह से कंसोलिडेट हो रहा है। बात करें सेंसेक्स का, देखिए सेंसेक्स भी वही हाल है जो कि निफ्टी का है। सेंसेक्स में टॉप 30 स्टॉक्स होते हैं, निफ्टी में 50 स्टॉक्स होते हैं। तो सेंसेक्स में भी एक रेसिस्टेंस रीजन है जो कि है 56,400। ये जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो है रेसिस्टेंस रीजन होगा। और वही सपोर्ट रीजन की बात करें तो ये जो लास्ट हम यहाँ पर रिजेक्शन प्राप्त किए, मतलब यहाँ से जो थोड़ा सा बहुत सपोर्ट देखने मिला है, तो इस लेवल के नीचे चलते हैं जो कि 54,400। तो फिर हम यहाँ पर नीचे एक बड़ी गिरावट देख सकते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों का जो चार्ट है, चार्ट का स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, सिर्फ दोनों में हमें अलग अलग लेवल को ध्यान रखना है। तो इसका लेवल जो है 56,400 और 54,400, इसके बीच में ये जिस और ब्रेक करेगा, हम ऊपर पर ब्रेक करेगा थोड़ा बुलिश हो जाएंगे, नीचे ब्रेक करेगा तो बेरिश हो जाएंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का। देखिए बैंक निफ्टी जो अभी भी काफी ज्यादा बुलिश है, यहाँ पर निफ्टी ज्यादा वीक है जबकि बैंक निफ्टी अभी भी काफी ज्यादा बुलिश है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल को जब तक हम नहीं ब्रेक करते हैं जो कि है 34,000 का, तब तक बैंक निफ्टी पूरी तरह से यहाँ पर साइडवेज है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो देखिए पूरी तरह से साइडवेज मोड में है, नीचे आता ऊपर जाता है, नीचे आता ऊपर जाता है। तो बैंक निफ्टी अभी पूरी तरह से साइडवेज चल रहा है, जैसे इस रेंज को ब्रेक करता है नीचे की ओर तो यहाँ पर वीक हो जाएंगे 34,000 के नीचे। और वहीं अगर ये 39,500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर हम यहाँ पर बुलिश हो जाएंगे।
तो बैंक निफ्टी अभी पूरी तरह से साइडवेज चल रहा है। निफ्टी जूनियर का जिसको हम निफ्टी नेक्स्ट 50 भी कहते हैं, तो अभी भी ये अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है। देखिए ये इसका जो सपोर्ट रीजन है जो कि 38,400 के आसपास का और 38,300 से 38,400 ये सपोर्ट रीजन को ब्रेक नहीं किया है। तो अभी भी निफ्टी जूनियर इंडेक्स है जिसको हम निफ्टी नेक्स्ट 50 बोलते हैं वो भी पूरी तरह से बेयरिश नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत अभी भी बुलिश है। देखिए अभी भी मार्केट में जो हमारा सेंटिमेंट है लॉन्गर टाइम फ्रेम पर वो बुलिश है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पर हमें एक शार्प गिरावट शार्प करेक्शन कभी कभी देखने मिल रहा है और फिर से बाउंस बैक होता हुआ देखने मिल रहा है। तो जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी जो लास्ट स्विंग है वीकली चार्ट पर उस स्विंग के सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर देता है तब तक हम पूरी तरह से बेयरिश नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद है निफ्टी मिड कैप, ये भी लगातार लोअर हाई लोअर लो लगा रहा है तो ये भी मतलब शॉर्ट टर्म में बेयरिश है, लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर निफ्टी स्मॉल कैप, स्मॉल कैप में काफी ज्यादा गिरावट देखने मिला और ये देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक कर चुका है। ये सपोर्ट रीजन था 4,750 का और उसको ब्रेक करके ये नीचे ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी स्मॉल कैप जो है वो काफी ज्यादा बेरिस यहाँ पर दिख रहा है, तो स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने मिला। अब फिर बात करते हैं देखिए निफ्टी एफएमसीजी, एफएमसीजी सेक्टर में काफी करेक्शन देखने मिला है, तो एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स को आप बाय करके चल सकते हैं क्योंकि ये एवरग्रीन सेक्टर है, यहां से कोई ज्यादा गिरावट आपको इस सेक्टर के स्टॉक्स में आप देखने नहीं मिलेगा क्योंकि जब स्टॉक्स सबके सब गिरते हैं तो एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक सबसे पहले ऊपर जाते हैं, तो इसको आप गिरावट में बाय करके चलिए। आईटी सेक्टर देखिए अपना सपोर्ट ब्रेक कर चुका है, यहाँ से हो सकता है ये रिटेस्ट करे अपने फिर से जो सपोर्ट है उसको रेसिस्टेंस के रूप में बना ले और यहाँ से रिजेक्शन लेकर के फिर नीचे जा सकता है। तो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स अभी थोड़ा वीक दिख रहा है चार्ट पे, तो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर देखिए ऑटो सेक्टर अभी भी अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है, तो ऑटो सेक्टर अभी रेंज बाउंड है मतलब एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स को भी गिरावट में बाय कर सकते हैं जो फंडामेंटली सॉलिड है और सेक्टर के लीडर स्टॉक्स हैं। फिर देखिए फार्मा तो पहले से ही चार्ट पे वीक है, लगातार लोअर हाई बना रहा है लोअर लो बना रहा है, तो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स को भी आप अवॉइड करेंगे शॉर्ट टर्म में अभी के लिए। फिर फाइनेंस सेक्टर भी देखिए अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं किया है, तो इसका सपोर्ट लेवल है 16,250 का, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक फाइनेंस सेक्टर भी मतलब थोड़ा सा वीकली चार्ट पर स्ट्रॉन्ग है लेकिन डेली चार्ट पर ये भी लगातार लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। उसके बाद आते हैं मेटल सेक्टर, देखिए मेटल सेक्टर भी अपने सपोर्ट रीजन से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो पूरी तरह से साइड में है। देखिए ये रेंज है इसका, ऊपर का रेंज है 5,900 का और नीचे का जो रेंज है वो है 5,200 का, तो इस रेंज में जो मेटल सेक्टर के स्टॉक्स है वो ट्रेड कर रहा है। फिर रियल्टी सेक्टर देखिए ये भी लगातार लोअर हाई लोअर लो लगा रहा है, तो इसका भी जो ट्रेंड है डेली चार्ट पर वो नीचे की ओर है। रियल्टी सेक्टर भी डेली चार्ट पर अभी भी मतलब अपने सपोर्ट रीजन को ब्रेक नहीं किया है, तो रियल्टी सेक्टर के भी जो फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स है उसको बाय करके चल सकते हैं। फिर इंफ्रा सेक्टर के स्टॉक्स ये भी चार्ट पे अभी भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अपना सपोर्ट रीजन जो है वो ब्रेक नहीं किया है। अब देखिए बात करते हैं हम ग्लोबल मार्केट के इंडेक्स का, देखिए डाउ जोंस में पिछले दो दिन में काफी जबरदस्त तेजी देखने मिल रहा है, तो डाउ जोंस यहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है, तो डाउ जोंस यहाँ पर लेकिन अपना जो सपोर्ट रीजन था उसको ब्रेक करके नीचे आया था, तो यहाँ पर हो सकता है ये जो सपोर्ट रीजन था अब रेसिस्टेंस रीजन का बात काम करे, तो अगर रेसिस्टेंस रीजन का काम करता है तो ये यहीं से रिजेक्शन लेकर के नीचे आ सकता है डाउ जोंस, अगर यहीं से नीचे आता है तो फिर हम मान के चल सकते हैं कि डाउ जोंस से थोड़ा थोड़ा बेयरिश हो रहा है मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें गिरावट का संकेत मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो वर्ल्ड सिनेरियो है उसको ध्यान में रख के चलना है, कभी भी न्यूज आ सकता है किसी भी कारण से मार्केट में गिरावट हो सकती है, तो अभी जो रशिया यूक्रेन का वार है उसके अनुसार भी मार्केट में कभी कभी गिरावट बड़ी बड़ी गिरावट देखने हमें मिलती है, तो वर्ल्ड मार्केट जो है वो खास करके रशिया यूक्रेन के वार के अनुसार भी चल सकता है। कभी भी वार अगर क्लोज होता है बंद होता है तो निश्चित रूप से हमें जो मार्केट में एक बाउंस बैक देखने मिलेगा, अगर वार जो है लड़ाई जो है वो लगातार कंटिन्यू रहता है तो मार्केट में फिर से एक बड़ी गिरावट हमें देखने मिल सकती है। अब बात करें गोल्ड का, तो देखिए यहाँ पर गोल्ड क्रूड ऑयल इसकी बात करेंगे, तो देखिए जैसे मार्केट में गिरावट होगा गोल्ड में हमें तेजी देखने मिलती है, वैसा ही हुआ यहाँ पर। देखिए मार्केट यहाँ से देखिएगा फरवरी में मार्केट में जो है हमें गिरावट देखने मिला फरवरी के कुछ मतलब शुरुआती सप्ताह के बाद, तो यहाँ पर देखिए गोल्ड में काफी जबरदस्त तेजी देखने मिला और गोल्ड यहाँ पर लगभग है 52,000 तक पहुंच चुका था,
तो गोल्ड को मैंने यहीं पर बाय करने बोला था, यहाँ पर ये अपना सपोर्ट लगातार ब्रेक नहीं कर रहा था, तो 47,500 के आसपास अगर आपने बाय किया होगा, इसका ETF भी बाय कर सकते थे, यहाँ अच्छा खासा आपको रिटर्न प्राप्त हुआ होगा। तो अभी गोल्ड को बाय करने का समय नहीं है, जैसे ये नीचे आता है तो फिर हम बाय करने के लिए सोचेंगे। बात आता है क्रूड ऑयल का, तो देखिए क्रूड ऑयल जो है ये भी अपना ऑल टाइम हाई प्राइस, देखिए यहाँ पर 7,433 यहाँ पर देख सकते हैं, इतना डॉलर का ये हाई लगा चुका है। तो जो चार्ट हम देखते हैं उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, बाजार में इसका मार्केट रेट क्या है उसको हम चर्चा नहीं करेंगे, ये इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है क्रूड ऑयल का जो MCX पे ट्रेड होता है। तो देखिए यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है वो काफी मतलब तेजी यहाँ पर दिखाया, तेजी दिखाने के बाद इसमें गिरावट भी देखने मिला, और साथ ही साथ बात करें यहाँ पर ये इस चार्ट को फॉलो कर रहा है इस रेसिस्टेंस लाइन को, और सेम इसी रेसिस्टेंस लाइन पर यहाँ पर फिर से ये रिजेक्शन लेकर के वापस गिरने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो सपोर्ट रीजन का काम करेगा क्रूड ऑयल में वो काम करेगा 6,200 का रीजन, तो ये सपोर्ट यहाँ पर ले सकता है क्रूड ऑयल में 6,200 का जो रीजन है। तो फिलहाल क्रूड ऑयल में आपको ना तो बाइंग करना चाहिए ना तो सेलिंग करना चाहिए, अगर सेलिंग का यहाँ पर कोई सिग्नल मिलता है तो सेल करना चाहिए। फिलहाल आपको रशिया यूक्रेन के वार को देखते हुए क्रूड ऑयल को शॉर्ट नहीं करना चाहिए, मतलब सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो काफी ज्यादा ऊपर जा सकता है, क्योंकि जो वार हो रहा है, लड़ाई हो रही है, उसके कारण जो कच्चे तेल है उसकी कीमत में जबरदस्त उछाल देखने हमें मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिए अभी क्रूड ऑयल को बाय करने और सेल करने के लिए। यहाँ पर बात आता है हमारा US डॉलर और INR, जैसे देखिए यहाँ पर काफी जबरदस्त यहाँ पर डॉलर मजबूत होता हुआ देखने मिला था, तो यहाँ पर डॉलर काफी स्ट्रांगनेस दिखाया, लेकिन अगले ही दिन यहाँ पर गिरावट भी हमें देखने मिला। US डॉलर और INR के बीच का चार्ट जो है वो पूरी तरह से साइडवेज है, अगर जब तक ये 75.66 के ऊपर नहीं निकलता है तो डॉलर हमारा मजबूत नहीं होगा, और जैसे इसके नीचे निकलता है 74.50 के नीचे तो यहाँ पर रुपया मजबूत होगा। जैसे जैसे डॉलर का कीमत यहाँ घटेगा तो डॉलर वीक होगा, और जैसे जैसे ये चार्ट ऊपर जाता है मतलब डॉलर मजबूत होता है तो हमारे लिए ये बेट काफी बुरा होगा। लेकिन फिलहाल जो USD और INR का चार्ट है वो एक साइडवेज चार्ट है, जब तक सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है तो ये वीक नहीं होगा, रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता तो ये स्ट्रांग नहीं होगा। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन का, तो देखिए क्रिप्टो करेंसी में काफी जबरदस्त यहाँ पर गिरावट देखने मिला है, तो इस गिरावट में आप बाय करके चल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी का जो फ्यूचर है वो काफी बेहतरीन है तो बाय करके चल सकते हैं। देखिए ये अपना विश्वास है, अपना बिलीव है, आपको बिलीव अगर है कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय में काफी अच्छा करेगा तो आप यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पर बिटकॉइन जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, तो ये सपोर्ट रीजन है, जब तक बिटकॉइन सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम यहाँ पर और ज्यादा बेयरिश नहीं होंगे, और बुलिश कब होंगे जब ये अपना रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है, जैसे रेसिस्टेंस को ब्रेक होगा तो हम पूरी तरह से इसमें बुलिश हो जाएंगे, और जैसे सपोर्ट को ब्रेक करता है तो बिटकॉइन में एक और बड़ी गिरावट हो सकती है। अगर यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक होता है तो आप इस बार का जो गिरावट होगा वो काफी बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रीजन है, वही इसमें टारगेट लेकर के चलना है आपको ऑल टाइम हाई का। तो देखिए टारगेट भी अच्छा खासा है, यहाँ पर लगभग आपको 40% का रिटर्न मिल सकता है यहाँ पर रेसिस्टेंस को ब्रेक करने पर, अगर आप इसको बाय करते हैं तो। ये ओवरऑल आज का डिस्कशन था, तो इस तरह से हम डिस्कस करते चलेंगे आगे भी, कौन सा इंडेक्स में आपको बाय करना चाहिए, कौन से मतलब इंस्ट्रूमेंट में, कौन से सिक्योरिटी में अभी आप बाय करके चल सकते हैं, किसमें सेल करके चल सकते हैं, किसको अवॉइड करना है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के बेहतरीन एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।